2024 से पहले रूस अमेरिका सहित दुनिया के 43 देश योगी से मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं हिंदुस्तान? क्या तय हो गया मोदी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एक साथ 43 देशों को योगी दिखाएंगे अपनी ताकत। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शुरू हो गई तैयारी, खुद पीएम मोदी भी कर रहे हैं 12 फरवरी का इंतजार। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जब पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, उनकी छवि एक कट्टर हिंदुवादी नेता की थी। मुस्लिम डरते थे और हिंदू भगवाधारी इस नेता को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में आते ही योगी ने सिर्फ यूपी ही नहीं पूरी दुनिया को अपने फैसले से हैरान कर दिया है। अब योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी वजह से मिलने के लिए रूस अमेरिका सहित दुनिया के 21 देश भागकर यूपी आने वाले हैं। हमेशा आरोप लगता है कि यूपी में रोजगार नहीं है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है, यूपी में अब कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। गुजरात मॉडल से भी बड़ा यूपी का मॉडल होने वाला है और इसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए बड़े बड़े देश यूपी आने की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर 2023 आयोजन करने का ऐलान कर दिया है। 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस आयोजन में रूस अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश इस टेबल पर बैठने वाले हैं। यदि योगी आदित्यनाथ का यह सपना पूरा होता है तो यूपी में हमेशा के लिए बेरोजगारी खत्म हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने इस बार पीएम मोदी से भी ज़्यादा खतरनाक जोखिम लेने जा रहे हैं। 2024 से पहले सीएम योगी की ये रणनीति बहुत खास मानी जा रही है। देश विदेश में जिस तरह से मोदी अमित शाह सीएम योगी को प्रमोट कर रहे हैं, उससे साबित होता है कि योगी अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। फिलहाल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तैयारी शुरू हो गई है और पीएम मोदी भी 12 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, 2024 में पीएम मोदी अपनी कुर्सी सीएम योगी को सौंप सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।